अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय ब्यूटी वर्ल्ड। फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली के बारे में सभी जानते होंगे, तकरीबन सभी यूज़ करते होंगे। जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो भी लाजमी तौर पर लगाती हैं, जो लेडीज़ हैं बड़ी उम्र की औरतें हैं वो ये लाजमी तौर पर लगाती हैं, क्योंकि उनको इतनी बेस की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ फेयर एंड लवली लगाती हैं एज अ बेस। फेयर एंड लवली के कितने फ़ायदे हैं आपको पता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपने ये एज अ बेस यूज़ करनी होती है, ये स्किन को नीट करने के लिए यूज़ करनी होती है। फेयर एंड लवली में B3 और B6 मौजूद है। इसकी पैकेजिंग आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि फेयर एंड लवली बहुत किस्म की होती हैं, कुछ मॉइस्चराइज़र भी होती हैं, कुछ एज अ बेस भी यूज़ की जाती हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है नो ब्लीच, यानी कि ये ब्लीचिंग का काम नहीं करती है। फेयर एंड लवली स्किन में ग्लो पैदा करती है, ग्लो भी लिखा हुआ है ऊपर, देख सकते हैं आप, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है स्किन वाइटनिंग के लिए। मल्टी वाइटामिन्स हैं इसमें, यानी कि हमें वाइटामिन्स की कमी की वजह से जो भी स्किन में प्रॉब्लम होती है वो दूर करती है। इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये फेयरनेस का काम करती है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो स्किन बहुत नीट हो जाती है, स्किन वाइट हो जाती है। लेकिन आपने इसको विंटर में स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये एक छोटी सी ट्यूब है, आपने ये बाय कर लेनी है। ये फेयर एंड लवली किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी, या ऑनलाइन भी draws.pk से आप बाय कर सकते हैं, या किसी भी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। इस फेयर एंड लवली से आपकी स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। ये एक थिक सी क्रीम होती है, ये तो आप जानते ही होंगे, जो विंटर और समर सीज़न दोनों के लिए बेस्ट होती है। आपने ये क्रीम लेनी है विंटर में। आपने इसको कैसे यूज़ करना है, एक बाउल में सारी क्रीम निकाल लेनी है। एक बाउल में क्रीम निकालने के बाद आपने इसमें ऐड करने हैं 3 कैप्सूल्स। ये 3 कैप्सूल्स वाइटनिंग है, जो स्किन को वाइट करते हैं। ये क्रीम्स में यूज़ होती हैं, जो फार्मूला क्रीम्स होती हैं उनमें यूज़ होते हैं। ये 3 कैप्सूल्स आपने फेयर एंड लवली में डाल लेने हैं, किसी भी बाउल में डालकर फिर आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर आप किसी डब्बी में इस क्रीम को डाल लें और पूरी सर्दियां आप इसको यूज़ करें। आपकी स्किन वाइट भी रहेगी, मॉइस्चराइज भी रहेगी, आपकी स्किन से दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे, स्किन ड्राई नहीं होगी और स्किन वाइट भी हो जाएगी। यानी कि इसका डबल रिज़ल्ट हो जाएगा, डबल बेनिफिट्स आपको इसके मिलेंगे, क्योंकि सूरज की शुआएँ हमारे जब चेहरे पर पड़ती हैं स्किन की रंगत ख़राब हो जाती है, और सर्दियों में तो मोस्टली धूप में बैठा जाता है। इसलिए आपने स्किन का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अगर आप फेयर एंड लवली लगाने के आदि हैं तो आप वाइटनिंग कैप्सूल इसमें डाल लें, ताकि आपको इसका डबल रिज़ल्ट मिले, आपकी स्किन भी वाइट रहे, स्किन मॉइस्चराइज भी रहे। ये सिर्फ एक छोटी सी क्रीम का फार्मूला है, जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। पार्लर्स में भी इसी तरह एक क्रीम में ही कैप्सूल्स डालकर दिए जाते हैं, और बहुत महंगी क्रीम सेल की जाती है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।